इसका हेडलैम्प कैसा हुई? ये चेंज कराया ये पूरा ही चेंज कराया? ओहो जरा पेश किया जाए, मैंने अभी ध्यान दिया। ओहो हो कैसे हो? पूरे दो हफ्ते के बाद मिल रहे हैं हम, तो आज की वीडियो में चलो वो आपको जाके बताता हूँ। पर उससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो सी मैंने एक वीडियो बनाई थी ना क्रॉसिंग हिमाचल बॉर्डर इन लॉकडाउन, तो उसमें मुझे काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि हमको चंडीगढ़ आने के लिए भी कोई पास की ज़रूरत है कि नहीं। चंडीगढ़ में आने के लिए कोई भी पास की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ अगर आपकी आउटसाइड गाड़ी है जैसे दिल्ली नंबर हो गया, गुजरात नंबर हो गया, या कुछ भी मतलब समझ लो HR और PP को छोड़ के आपकी चेकिंग ज़्यादा होती है, हिमाचल जाने के लिए आपको आज भी पास की ज़रूरत पड़ेगी। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो ये वही जनाब है जिसके साथ मनाली पर राइड की थी हमने, इनकी FZ थी और मेरी पल्सर। तो अभी मैं पहुंच चुका अखिल के घर सेक्टर 38 में, और इसने जो सी बुलेट ली है ना वो अलग है, ऐसा नहीं जो सी नॉर्मल बुलेट्स होती है वैसी है, इसने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस कराई है। मैं आपको वो दिखाता हूँ क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना मैं खुद दिल गया है ये क्या क्या करा दिया तुमने। देखो ज़रा बता अपनी बाइक के बारे में, और ये देखो ज़रा बुलेट क्या हुआ, नॉर्मल लग रही है। अरे रुको तो सही ज़रा, अब मुझे बता तूने मॉडिफिकेशंस क्या क्या की है। पहले तो इसमें हैंडल चेंज है। हाँ ये देख लो, ये वाला चेंज है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लेग गार्ड, ठीक है लेग गार्ड करवाया हुआ, ये साइलेंसर एग्जॉस्ट चेंज है, पीछे ग्रिल लगवाई हुई है। ये जो से इंडिकेटर्स ये कंपनी वाली है बाद में आफ्टर मार्केट ना, सिर्फ ग्रिल आफ्टर मार्केट है, ग्रिल इंडिकेटर कंपनी वाली है, ये सिर्फ ग्रिल है। सही में सही, बस आगे आएगा तो हेडलाइट चेंज है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो सी मेन चीज़ जिससे मैं भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, मैंने कहा भाई ये क्या लगवा दिया। अब ज़रा ऑन करके दिखा दी इनको, ये देख लो हेडलैम्प कितना सही लग रहा है। ओ हो हो हो, एक मिनट, क्या बात क्या बात। ये नाइट के लिए है और जो डे के लिए है वो ये सॉरी ये डे वाला है, इसको DRL कहते हैं ना। हाँ और ये नाइट के लिए है, ये इतने सारे बल्ब लगे हैं, टुन 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 सही लग रहा है। और ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं आगे भी ग्रिलिंग की है, और वो क्या कहते हैं उसे चार इंडिकेटर इकट्ठे चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, सिमटेक। ये भी बड़ा सही लग रहा है। ये देखो ज़रा आप समझ आ रहा होगा ना आपको, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। ये क्लासिक 2016 मॉडल 14 23,000 चली हुई थी, तेको मिल गई है। और ये कितने की पड़ी अगर बात करें विदाउट एक्सेसरीज, अगर बात करें विदाउट एक्सेसरी मेरे को पड़ गई थी 90,000 की पड़ी, ठीक है। और जब तूने ये एक्सेसरीज लगाई है क्या आप बता सकते हैं एक एक करके, क्योंकि मुझे लगता है मेन तो इसकी क्वेरी आएगी, तो शुरुआत इसी से करते हैं कि ये वाला पार्ट कितने का पड़ी थी। 2400 सिर्फ ये फ्रंट वाली फ्रंट लैम्प 400 की ये थी। ओके बल्ब थे 100 के टोटल, टोटल 100 की। ग्रिल का सेट था 500 का, 500 का आगे का पीछे का अलग 500 ना ना इकट्ठा सेट इकट्ठा चारों का 500। ओके हैंडल वाला सेम वही हैंडल है जो सा मेरा दोस्त होता था ना, जो सा मेरा दोस्त था सीमर जो सा बाहर चल गया, उसके पास भी थंडरबर्ड थी 350, उसने भी सेम यही वाला लगाया हुआ था, तो काफ़ी बढ़िया ये है। मैंने भी चला के देखी थी ना उसकी थंडरबर्ड, तो काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग आ जाती है क्योंकि कंफर्टेबल रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज वाला जो सब लोग है मेरा वो हो जाएगा अलग से, मतलब क्या कहते हैं उसको, पूरी बाइक पे बन जाएगा कोई नहीं। और ये जो सा साइलेंसर ये भी अलग लगवाया ना तूने? ये लगवाया मैंने कंपनी का, एक तो डॉल्फिन आता है कॉपी आती है, ये ओरिजिनल है, ये मेरे को पड़ा था 5500 सिंटेक्स जो सा ये इंडिकेटर वाला, ये मेरे को विद LED बल्ब पड़े थे 2100 ऑर्डर 90+15-20 मतलब 1,10,000-15,000 की पड़ेगी। तो अगर ऐसी आपको बुलेट चाहिए चंडीगढ़ में, मैंने आपको आइडिया बता दिया कि इतनी में मिल सकती है, क्योंकि अखिल ने पक्का रिसर्च करके ली होगी बाइक, ऐसा तो है नहीं कि फटाफट जाके ले ली, रिसर्च की होगी। तो मतलब ये बेस्ट प्राइस यही है कि 90,000 के आपके आसपास अच्छी बाइक मिल सकती है, अगर ऊपर मॉडिफिकेशंस कराओ तो मतलब 1,15,000 में ऐसी बाइक कुछ बन सकती है। चलो अब टाइम है इस पर गेड़ी मारने का, है ना, इतना पैसा लाया बंदे ने, देखे तो सही क्या चीज़ है। फिर आवाज़ तो बड़ी धमक पा रही है, सिद्धू मूसे वाले का म्यूजिक है क्या? आवाज़ सुनो जरा, टुक 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 आगे देखियो पास में हमारा चलान ना हो जाए। अभी ना मैं आपको स्कूल दिखाऊंगा।
रहा मेरा स्कूल श्री गुरु हरिकृष्ण मॉडल स्कूल, यहाँ से मेरी 10th तक पढ़ाई हुई है। काफ़ी मज़ा किया इधर, यादें बहुत है। एक व्लॉग भी है बहुत पुराना, अगर देखना होता तो आप ज़रूर देखना। आप भी ऐसी बनाओ यार, अगर आपके पास है रॉयल इनफील्ड तो बहुत सही लगेगी। क्या बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत सही आइडिया दे दिया इन्होंने, देख लो। तो पहले कौन सी साइड जाएं हम? सुनने में आ रहा है हलचल, गतिविधियां बढ़ती हुई हिमाचल बॉर्डर पे खुल सकते हैं, पर फिलहाल अगर अभी आपको जाना है तो अभी तो आपको कोविड रिपोर्ट देनी पड़ेगी उनको, और यही है ना कोविड 19 की नेगेटिव रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं और साथ में पास के लिए, ई पास अप्लाई करना पड़ेगा, प्लस अपने को होटल की बुकिंग अच्छा हाँ डेस्टिनेशन प्रूफ मांगते हैं ना, से ज़्यादा की होटल की बुकिंग। तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं सेक्टर 32 में रॉयल इनफील्ड के शोरूम में। अभी हम यहाँ से पता करने जा रहे हैं कि रेंट पर बाइक्स मिलती हैं कि नहीं। ये वाली देख रहे हो भाई, ये है आरी की इंटरसेप्टर, इसका कलर देखो यार कितना प्यारा है, ये ना ही ज़्यादा ऑरेंज है और ना ही ज़्यादा इसको कौन सा कलर कहते हैं मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा। क्या हुआ, बात हुई क्या कहते हैं? बात हो गई है। हाँ मिल तो जाएगी, व्लॉगर करके लेस भी मिलेगा। है वाह, वैसे टूरिंग करने का कितना मजा आएगा ना, जच रही है तेरे पे भी साइज के हिसाब से। हाँ ले ले, अभी भाई ने नहीं लिया, कर एक्सचेंज कर ले एक्सचेंज। मेरा यार नाक दर्द करने लगा अभी, पर चलान हो सकता है। पर एक छोटी सी आपको चीज़ बताता हूँ कि हम ना खुद पता कर रहे हैं कि रेंटल बाइक कहाँ से मिलती है, इससे आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको भी आसानी हो जाएगी। अगर आप चंडीगढ़ आते हो रेंट में बाइक लेनी है और हिमाचल साइड जाना है तो आपको कहाँ आना है। अभी फिलहाल यहाँ से शोरूम से तो नहीं मिल रही, पर उन्होंने एक नंबर प्रोवाइड किया, वहाँ हमने बात की है तो वो कह रहे 1500 पर डे की है मिलेगी आपको आरी हिमालयन। तो और कभी करते हैं पता, और भी अगर मिलता है हमको ऑप्शन भाई। ओके ओके, भगवान ने चाहे तो प्लान जल्दी बनेगा हमारा, बस आप भी थोड़ा सपोर्ट करो। देखो चीज़ ऐसी होती है कि ट्रैवलिंग ना हर टाइप मतलब सॉरी हर हम हफ्ते तो कर नहीं सकते, हमको सारा कुछ प्लान करना पड़ता है, बजट देखना पड़ता है। और फ्रेंकली स्पीकिंग अभी जो से कोविड के सिचुएशन के कारण बजट तो पूरा हिला हुआ है। अब मैं आपको मैं छुपाऊँ क्या चीज़, सेविंग्स मेरी बिल्कुल नहीं थी, मैं इसके साथ शेयर कर रहा था कि मैंने अभी सेविंग्स करनी स्टार्ट की हैं ताकि हम फ्यूचर में ट्रैवल कर पाएँ, तो करके उसी में लगे हुए हैं। अगर आप मुझे थोड़ा हेल्प कर पाओ तो काफ़ी अच्छा हो रहेगा। ये नहीं कह रहा कि आप मुझे डोनेशन दो, पर आपको ये मैं चीज़ शेयर करता हूँ जिससे आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा। मतलब आपका फ़ायदा ये है कि जो सी मैं इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ, ब्रांड यूज़ करता हूँ कंपनी के, तो वो आपको मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। जो सी आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना उधर लिंक्स दिए होते हैं मेरे प्रोडक्ट के, अगर आपने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करनी है या अमेजोन से शॉपिंग करनी है, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो मुझे 1-2% कमीशन मिलती है। तो अगर इससे हेल्प ये हो सकती है कि हमको थोड़ा सोर्स मिल जाएगा इनकम का और हम ट्रैवल कर पाएंगे। बाकी आप पे है, बस मैं आपको ये आइडिया शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अभी चलते हैं ना, फिर प्लान करते हैं, ठीक है। हिमाचल या उत्तराखंड, वो आप भी बताओ, ठीक है। लास्ट बारी भी पूछा था, चलो मैं चलता हूँ, ठीक है। ओके भाई, अभी चंडीगढ़ घूमने ना आना यार, अगर आप आ रहे हो। इतनी ज़्यादा गर्मी है इधर, क्या कर रहे हैं भाई, बारिश नहीं पड़ती इधर इतनी ज़्यादा, सब वहम है, सब झोल है, इधर का वेदर अच्छा नहीं होता इतना होता है, पर अब इस साल इतना अच्छा नहीं है। हाय थक गए। मम्मी खाने में क्या आज? कद्दू। ओ यार देख क्या हूँ कैसा है, कद्दू बन रहा है यार इसमें, कुकर में बनता है कद्दू। ये क्या चीज़ है? ये है कद्दू। लॉकडाउन का सही था, जब लॉकडाउन था ना तो घर पे बड़ी सही सी डिशेज बनती थी, कभी पिज़्ज़ा, कभी नूडल्स, कभी मंचूरियन। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म, वही रूटीन स्टार्ट, कभी कद्दू, कभी हरी, कभी भिंडी, कुछ और दोस्तों। यार नून वाली रोटी बना दे, ठीक है बनाओ। तो अभी ना मेरे पास ये प्रोडक्ट आया है, आपको मैं ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पहले टेस्ट करना पड़ेगा ये काम लायक है भी है कि नहीं, अगर फेल हो गया फिर आपको ये नहीं दिखाएंगे। तो आज की वीडियो इधर एंड करते हैं, थैंक यू वॉचिंग गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, दिलप्रीत की वीडियोस देखते रहें, ठीक है जी, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी कौन से चक्करों में पड़े हो आप, एग्जाम उम छोड़ो, दोबारा से लॉकडाउन लगाओ, पेट पूजा होगी हमारी इधर। Waking up anew.